सॉरी। नहीं भाई, उल्टी नहीं, ती तो मेरे रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार भी कितने अजीब। मैं मना लूंगा बाबा को, बस थोड़ा मान चाहिए प्लीज। मुझे वक्त दिया तो है तुम्हें। फारिस, लड़की के पास सबसे ज्यादा अहम उसका वक्त होता है और मैंने तुम्हें हमेशा वक्त दिया है। I understand. I know. लड़की के पास बहुत वक्त नहीं होता। प्लीज मुझ पर भरोसा कर। क्यों तुम पर भरोसा? किस्मत पर एतबार नहीं है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे बाबा नहीं माने तो? मान जाएंगे। जब तक जिंदा, जब तक आखिरी सांस बाकी। और अगर तुम हार गए तो? नहीं हारोगे, कभी नहीं हारोगे। कल तुमने नोट्स ले लिए थे? तुम देना ही भूल गई थी नोट्स। चलो ठीक है, आज तुम याद से ले लेना, ठीक है? ऐसे करो ना, तुम घर के लिए दे दूंगी। हाँ। तुम थोड़ी डिस्टर्ब लग रही हो। हाँ यार, मैं जोया और फारस को लेके बहुत कंसर्न हूँ। जो कुछ भी हुआ जोया के घर में वो बहुत अफसोसनाक है। हमें जोया के सामने इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, वरना वो और हर्ट हो सकती है। तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं लोग इतनी छोटी ज़हनियत के क्यों होते हैं। भाई क्या करें लोगों की ज़हनियत का। चलो चलते हैं उनके पास। आखिर आप कब तक नाराज रहेंगे? भाई मैंने जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझकर और ठीक फैसला लिया है। सोया इस घर में आ जाएगी तो हम सबको ही आराम मिलेगा ना। खुदगर्जी की हद होती है एक। इसमें खुदगर्जी वाली क्या बात? सारी दुनिया अपने बारे में सोचती है। अगर मैंने सोच लिया तो कौन सा निराला काम कर दिया। सही सोचा मैंने। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता अजरा, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। समझाने वाली क्या बात है? और जरा आहिस्ता बात करें, दानियाल की तबीयत ठीक नहीं है, आपको जरा से भी परवाह नहीं क्या उसकी? कॉलेज में फारिस से बात हुई। क्या कह रहे? यही कि वो अपने पापा को मना लेगा और मैं एतबार करूं उस पर। वो है एतबार की काबिल। मम्मी, हिमानी से सारे ताल्लुकात खत्म करने होंगे आपको।
बहुत दुख दिया उन्होंने। हाँ बेटा, रिश्ते इंसान को कमजोर कर देते हैं। मैं तो अल्लाह का एहसान मानती हूँ कि तुम्हारी तबीयत संभल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या इस वक्त? अरे आ रही हूँ, बेल पे हाथ रख के भूल गए और आप दोनों मेहमान बन के बैठे रहे। अरे बेल जल जाएगी, हाथ हटा लो उसके ऊपर से। कहा था एक चौकीदार रखवा दो, लेकिन नहीं, घर को मैं मासी जो मिली हुई है, खाने भी बनाओ। और ये गन मेरे लिए क्या है? हटे मेरे रास्ते से। नहीं 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 बेटा, तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा हटे रास्ते से। आपने मना नहीं किया उसे। तुम क्या समझती थी मेरी बेटी बुजदिल है और तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो? नहीं नहीं मेरीन, ये आप लोग क्या कर? मेरीन मेरीन बेटा क्या? ये तुम क्या कर रही हो? क्या तरीका ये? ये पिस्टल लेके क्यों आई हो मेरीन? तुमने मुझे समझने में गलत दिखी दानियाल। की तरह नादान नहीं हूं। तुम लोगों का क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ नीचे करो इसे प्लीज। तुम लोग मेरे खिलाफ साजिशें करोगे और मैं बेखबर रहूंगी। कि तुम लोग भूलो कि तुम सोया से दूसरी शादी करोगे और मैं तुम्हें शादी करने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, बैठ के बात करते हैं। आओ चुप करें आंटी, साइड पे खड़ी हो जाए। अगर तुमने दोबारा जोया से दूसरी शादी के बारे में सोचा पीना था तो मैं तुम्हारे साथ वो कर जाऊंगी जो तुम सोच नहीं सकते। हालात में बंद करवा दूंगी मैं तुम्हें। सिर्फ दो दिन जेल में बंद रहोगे ना तो तुम्हारे साथ तो शादी का भी ये सब गुजर जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरीन? मेरीन बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका हक में 5 लाख रुपए। तुम्हारी तो जेब पहले ही खाली। तुम किस बलबूते पर दूसरी शादी के ख्वाब देख रहे हो? और फिर भी अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। तुम्हारा वो तमाशा बनाऊंगी कि दुनिया में तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अरे तुमने तो अपने माँ बाप के साथ वफा नहीं की, महरीन के साथ क्या वफा निभाओगी? मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि तुम जैसे 2% घटिया इंसान से शादी कर ली। आखिर तुम्हें ये बताया किसने कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं? तुम्हारी कजन दुरे शेवार और उसके शौहर ने आके बताया मुझे। अब कह दो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सोया की मंगनी पे जो तुमने ड्रामा किया था उसके बारे में भी मुझे पता चल गया है। पहले तो मुझे सोया से बहुत नफरत थी, लेकिन आज उसकी किस्मत पे मुझे रश खाता है कि उसने तुम जैसे 2% घटिया इंसान से शादी नहीं की। नहीं बेटा, आइंदा अगर मेरे खिलाफ किसी ने भी साजिश करने की कोशिश की ना तो मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। घटिया कंगले इंसान।
क्या सोच रही? यही कि मामू के घर में अब तक तूफान तो आ चुका होगा। ऐसा वैसा अब पता चलेगा तानियाल और उसकी माँ को कि तूफान होता क्या है। इसमें नुकसान तो जोया का ही है ना? हाँ, लेकिन वक्त हालात बदल देगा। क्या फिर हालात खराब कर देगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो यार? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। इसलिए इंसान को हर वक्त हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। आदिल, मैं जोया के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन मेरी बहन की शादी एक सवालिया निशान बन के रह गई। तो शवार उसकी भी शादी हो जाएगी? शादी का अपना टाइम मुकर्रर होता है, ऐसी थोड़ी हो जाती है। ठीक कहते हो तुम, वैसे भी असल मसले तो शादी के बाद ही शुरू होते हैं। तुम मुझसे कोई मसले है क्या? तुमसे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो ताया जी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। मैं तो पसंद करता हूं। जल्दी से मुझसे करो ना, मैं बुला रहा हूं। तो बेटे बेटा क्या हो गया? तो मार ला तो अम्मी, आप ठीक तो हैं? अरे हाँ, बस चक्कर से आ रहे हैं बहुत। काम डाउन प्लीज, चली गई है ना वो, शुक्र है। देख लिया अपनी साजिशों का नतीजा, महरीन पिस्तौल लेकर घर आ गई और हम उसका मुंह देखते रह गए। ये दिन भी देखना था हमने। ये सब दुर्रे शहवार और उसके मियाँ का किया धरा है, उन्हीं की गलती है ये। तुम्हें अपनी गलती क्यों नजर नहीं आती? अबू, अम्मी ठीक कह रही है, दुर्रशवार ने उन सबसे इंतकाम लिया है। अगर उसने इंतकाम लिया है ना बेटे, तो मैं समझता हूँ इसमें वो हक बजाने का। आपको कब अपने रिश्तेदारों की बुराइयां नजर आएंगी? दुर्रशवार को क्या जरूरत थी मेहरीन को ये सब बताने की? और तुम्हें क्या जरूरत थी जोया की मंगनी रुकवाने की? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेहरीन हमें धमका कर चली गई। अब इस उम्र में हम धमकियां सुनेंगे लोगों की? अबू, हम सभी जानते हैं कि महरीन एक बददिमाग औरत है। उस बददिमाग औरत को तुम दोनों माँ बेटे बड़ी खुशी और रजामंदी से इस घर में लेके आए थे। देखो तानियाल, मैं तुम्हें साफ लफ्जों में बता देता हूं कि अब मैं ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करूंगा इस घर में। अपने आप को ठीक करो और महरीन से शादी निभाओ, वरना वो हमारा जीना दूभर कर देगी। ये अच्छी जबरदस्ती है, एक तो वो हमें डरा कर धमका कर चली गई, ऊपर से आप कह रहे हैं कि निभाओ। दानियाल की बीवी है वो, बिल्कुल ठीक किया। तुमने देखा नहीं था, अजरा तो डर कर जाकर दीवार से लगी थी और दानियाल के चेहरे का भी रंग पीला पड़ गया था। मेरा पास चलता ना तो दोनों को गोली मार देती। अरे नहीं बेटा, इतना ही काफी है उनके लिए। अब वो ख्वाब में भी दानियाल की दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा करके तो देखे, जैसे 14 तबक रोशन करूंगी ना, याद रखेंगे। समझते क्या ये लोग मुझे? बस बेटा,
अब इतना गुस्सा भी ना करो, खुश रहा करो। दानियाल एक मामूली और कमजोर आदमी है, और कमजोर आदमी को अहमियत देना बेकार होता है। वो अभी भी सोया से ही मोहब्बत करता है। करता रहे, क्या कर लेगा? जोया की तो किसी और के साथ शादी हो जाएगी, और दानियाल बेचारा अपनी इस नामुराद और नाकाम मोहब्बत के साथ सारी जिंदगी रोता रहेगा, यही उसकी सजा है। तुम क्यों फिक्र करती हो, कुदरत खुद उसको सजा दे रही है। ऐसे ही होगा इसके साथ, ऐसी सजा काटेगा ये, क्योंकि इसी की काबिल है। लेकिन मम्मी, मैं दानियाल की जोया से शादी कभी होने नहीं दूंगी, नेवर। दानियाल को अब वहां ज्यादा देर तक रहने नहीं देना चाहिए, वहां अजरा अपनी बातों से उसका दिमाग खराब कर देगी। जितनी जल्द मुमकिन हो उसको यहां वापस बुलवा लो। सोया बेटा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। क्या मम्मी, बस रिवीजन कर रही हूँ। नींद भी तो जरूरी है ना, सो जाओ बेटा। नींद अहम नहीं है, राइस करना ज्यादा अहम है। वैसे भी टाइम हो गया है, लाइट भी जाने वाली है, मैं तो यही कहूंगी सो जाओ तुम। नहीं, I love you. मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बस बेटा अब सो जाओ, थोड़ी देर में बस। शराफत से घर आ जाओ, और कितने दिन तक अपने माँ बाप के घर में बैठे रहोगे? वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। अच्छा, आज इस बात का तुम्हें बड़ा एहसास हुआ? जब महीनों मेरे घर में रहते रहे तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुमने जिस तरह से आकर मेरी फैमिली को डराया है, धमकाया है, उन पे पिस्तौल निकाला है, मैं तुम्हारी इस हरकत को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम दूसरी शादी की प्लानिंग करोगे और मैं तुम्हें आके फूलों का हार पहनाऊंगी? तुम मुझसे बात कर सकती थी, लेकिन तुमने हंगामा खड़ा कर दिया, मेरे माँ बाप पे पिस्तौल तान ली। जोया से शादी के ख्वाब देख रहे, वो क्यों करेगी? तुम जैसे मामूली शादीशुदा आदमी से वो शादी क्यों करेगी? क्या क्या समझते हो तुम अपने आप को? जब मुझ जैसे मामूली आदमी से तुम शादी कर सकती हो तो जोया भी कर सकती है। क्योंकि मैं बेवकूफ थी इसलिए तुमसे शादी की मैंने, लेकिन जोया बेवकूफ नहीं है, वो अकलमंद है। और बस बहुत हो गया, शराफत से घर आ जाओ, जब तुम यहां पर आओगे ना तो तुम्हारा ये दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मैं वहां कभी नहीं आऊंगा, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे घर आ सकती हो, यहां के रह सकती हो। क्या कहा? अच्छा, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं आऊंगा, तुम जो करना चाहती हो कर लो। What? तो कैसा हो एग्जाम?
अच्छा तुम्हारा? हाँ, it was good. एग्जाम्स के बाद प्रैक्टिकल लाइफ, जिंदगी कितनी बदल जाएगी ना? हाँ, लेकिन जिंदगी तो बदलती रहती है. सो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तुम बताओ, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मैं तो लॉ प्रैक्टिस करूंगी. गुड. और तुम? मैं शायद बाहर चला जाऊं. तुम बाहर चले जाओगे? हाँ, आई थिंक अभी हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए. एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा करियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हाँ, सही कह रहे हो तुम. और फिर जब हम अपने करियर बना लेंगे तो शादी कर लेंगे. और अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढ ली फिर क्या करोगे? सोया, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अभी हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए ताकि हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, यू नो. फारिस, तुम अब्रॉड जाने की बात कर रहे हो? हाँ, चाहता तो मैं भी यही था कि हमारी मम्मी हो जाती. सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी जैसे हम चाहते थे. लेकिन हम स्काइप करेंगे. अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी? कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है. अरे कुछ नहीं बदलेगा यार, come on. पर प्रैक्टिकल लाइफ इंसान की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, हमें इसे सीरियस लेना चाहिए. हाँ, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई को इतना सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं एक कामयाब जिंदगी गुजारूं. जोया, आदिल भाई कौन? वालेकुम अस्सलाम. बॉस, ये आपके घर का किराया है. ओ, बॉस गिन तो ले, पूरे हैं? हाँ यार, पूरे ही होंगे. बहुत शुक्रिया. अच्छा, घर पे कोई भी काम हो मुझे बता, अब्बा को नहीं बताना, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. ले, कौन आया था भाई? अब्बा, मेरा ख्याल है किसी ने गलती से बेल बजा दी और चला गया. गलती से? ये तो बड़ी हैरानी की बात है. अब्बा, इस शहर में कुछ भी हैरान कुन नहीं होता. आदिल, प्लीज थोड़ी देर फैसल को रख लोगे अपने पास? आज मासी नहीं आई, मुझे खाना बनाना है और घर के और भी बहुत सारे काम करने हैं. हाँ. खाना मैं ले आता हूँ, ऑर्डर कर लेते. बस इसी चीज की कसर रह गई थी, खाना बाहर से आएगा.
लू घर के अंदर मौजूद है, अखाड़ा बाहर से आएगा तो फिर लू के होने का फायदा क्या घर में? अब दरअसल फैसला भी छोटा है, दुर्शेवार उसका अगर ख्याल रखेगी तो घर का काम कैसे करेगी? जैसे दूसरी औरतें बनाती है, घर में खाना भी बनाती है, मियाँ को भी देखती है, घर भी संभालती है, तो बखरा काम कर रही है। वो लोग जालिम होते, मैं ऐसा नहीं। दुर्शेवार आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे अभी खाना बनाना है आदिल, क्या हुआ? खाना बनता रहेगा यार, मेरी बात सुन लो, चलो जल्दी चलो मेरे साथ। क्या हुआ, काहे से इस तरह से बात करते हैं कोई? तुम उस बात की फिक्र छोड़ दो, फैसल को पकाओ और जाकर तैयार हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? हमारी अम्मी के घर जाना है। अचानक अम्मी के घर क्यों? तुम जाओ ना, तैयार हो जाओ, सब तफसील में बाद में बताऊंगा। हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। बैठे हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, इसका ख्याल रखो। हाँ। सलाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? जी अम्मा। बात हक गई। पेपर कैसा हुआ बेटा? अच्छा हुआ। माशाल्लाह। अच्छा ये लो, दूध पी लो और अब पढ़ने ना बैठ जाना, पहले ये दूध खत्म करना फिर पढ़ना। फारिस का पेपर कैसा हुआ? जी अम्मी अच्छा हुआ। अम्मी फारिस कह रहा था कि वो पेपर्स के बाद बाहर चला जाएगा, उसको अपना करियर भी तो बनाना है ना। हाँ, अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे। कह रहा था कि एक बार हम दोनों अपना अपना करियर बना लेंगे तो फिर शादी भी कर लेंगे। बस बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो भी दिन लिखा है अच्छा हो, तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मैं सुकून में आ जाऊं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। फारिस के एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, मैं नहीं चाहती हम कोई भी ऐसी बात करें जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि इस वक्त जोया के मौजू पे हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। जोया की नहीं, मैं फारिस की बात कर रही हूं। कोई ऐसी बात ना हो जो उसके एग्जाम्स के दिनों में बदमजगी हो। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि फारिस यकसुई के साथ अपने एग्जाम दे दे और इस दौरान हमें उसकी शादी के मौजू को डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं भी बस यही चाहती हूँ। थैंक यू। अम्मी का इनको बुलाया आ रही। अरे बेटा माफ करना, आजकल जोया के पेपर चल रहे हैं ना, बस उसमें मसरूफ हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है। ये आपकी अमानत। ये क्या है? चची जान, ये आपकी अमानत है, आपके घर का किराया, इन पैसों पे अब हमारा कोई हक नहीं। मैं वैसे तो कोई इतना अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मुझे नेकी का मौका मिला है, इसलिए मैं इसे जाया नहीं होने देना चाहता। ये क्या कह रहे हो बेटा? आदिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी,
इन पैसों पे सिर्फ आप ही का हक है। नहीं नहीं बेटा, इतने सालों के बाद तुम्हें ख्याल कैसे आ गया है? आदिल को हिदायत मिल गई है, तुम्हारे अब्बू नाराज होंगे। देखिए वैसे तो उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो हो भी गए तो मैं उनसे बात जरूर कर लूंगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारे घर में कोई झगड़ा हो। चची जान आप फिक्र क्यों कर रही है, मैं हूं ना, आप बेफिक्र हो जाएं और ये पैसे संभाल लें। चाय मिले? हाँ मैं आप लोग बैठे मैं बना कर रही थी। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जीते रहो। इनकलाब कैसे आ गया आप ही? बस आ गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन कर लो। ना मुमकिन नहीं है आप ही। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। मुमकिन और नामुमकिन के बीच में सिर्फ दो लफ्जों का फर्क होता है। मुझे ये समझ नहीं आता आप ही, जब हमें आदिल की जरूरत थी, उसका सहारा चाहिए था, तब वो कहाँ था? तब तो उसे ख्याल नहीं आया। अब तो आ गया ना ख्याल। वैसे भी कुछ लोगों को जल्दी हिदायत मिल जाती है और कुछ लोगों को बहुत देर में। देखो वो पुरानी बातों को भुलाना चाहता है, तो तुम्हें नहीं लगता हमें भी पुरानी बातों को भुलाकर बात आगे बढ़ानी चाहिए? आप देख लीजिएगा, ताया अबू आदिल को फिर से ये करने नहीं देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घर मेरा और तुम्हारा है, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अगर ताया जी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते तो कोई बात नहीं, आदिल तो करता है ना। शायद आदिल हमें पैसे ना ला के दे सके, किराया ना दे सके, मगर वो इस बात को मानता जरूर है। आपने आदिल को नेक बना दिया। कोई इंसान किसी को नेक नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आदिल कभी बुरा था ही नहीं। उसकी सोबत बुरी थी, उसके आसपास जो लोग थे वो बुरे थे।